अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीवन। सो आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, ये एकदम ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बर्गर को फेल करने वाली चिकन पाव स्लाइडर है। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस है, आप देखकर ही जान सकते हो, चीज़ी एंड मुंह में जाते ही आप बर्गर और पिज़्ज़ा को भूल जाओगे। और आसान रेसिपी है, कोई अचानक मेहमान आए, तो हमारे घर में एक मेहमान आए थे, हमने अचानक इसको बना कर तो शेयर किया और बहुत ही डिलीशियस और परफेक्टली बना था। आप ये पार्टी के लिए भी बना सकते हो, तो लोग और रिलेटिव्स चौंक जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन रख लेंगे गैस पे और इसको हीट कर लेंगे, साथ ही में ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, इसको गर्म होने देंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे, मैंने देखिए यहाँ पे क्रश करके लिया है जिंजर और गार्लिक, तो 2-3 टुकड़े ले लेना है लहसुन के, और थोड़ा सा टुकड़ा लेना है अदरक का, उसको क्रश कर लेना है या तो ग्रेट कर ले उसको, है ना, ऐड कर दे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए जब तक कि हमें इसे रोस्ट करना है, मतलब भून लेना है तेल में। और इसको ये भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज ऑनियन, उसको मैंने है ना बारीक सा ऑमलेट कट करा है, तो 1 प्याज लिया है यहाँ पे। इसको भी हल्का सा हमें फ्राई करना है, पिंकिश टाइप हो, एकदम ही हमें है ना गोल्डन फ्राई नहीं करना है, पिंकिश टाइप का फ्राई करना है। तो ये जब तक फ्राई हो रहा है तो यहाँ पे देखिए हल्का सा पिंकिश फ्राई हो गया है। अब हम इसमें है ना चिकन क्यूब्स के ऐड करेंगे, मैंने चिकन ब्रेस्ट वाला लिया था और इसको छोटे छोटे क्यूब की शेप में कट करना है, जैसे कि हम कीमे से थोड़ा सा बड़ा, कीमा नहीं करना है, क्यूब क्यूब काटना है छोटी 2-2 इंच वाले। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया है और इसका चिकन का अच्छा सा कलर चेंज हो जाए जब तक का हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे से प्याज के साथ फ्राई हो गया है। मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि हमारे चिकन को भी अच्छा सा फ्लेवर मिले। और जिंजर गार्लिक हम लोग क्रश तो डाले थे, वो अलग सा टेस्ट देता है और ये पेस्ट चिकन में अलग सा टेस्ट देगा। तो जब हम चिकन का एक एक बाइट खाएंगे तो उसमें अच्छा सा जूसी और फ्लेवरफुल हमें टेस्ट आएगा हमारे माउथ में खाने में। तो यहाँ पे ये ऐड होने के बाद हम इसमें ऑल स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा अक्खा धनिया डाला है 1/2 स्पून। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चिकन लिया था उसके अकॉर्डिंगली डाल रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाओगे तो 1-1 स्पून हमें ज़ीरा और अक्खा धनिया ऐड करना है। तो याद रखें इसको भून के रोस्ट करके पीस के वो ऐड करना है, उसका अलग सा ही टेस्ट आता है। अब मैंने इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया है और इन सारी चीज़ों को भी हमें हल्का सा अच्छे से भून लेना है 1 मिनट के लिए। तो चिकन है बहुत ही जल्दी से कुक हो जाता है, तो इसे कोई ज़्यादा पकाने की या ओवर कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट इसे हमें गैस को ऑन करना है और कुक करके ले लेना है। पहले ऑयल गर्म हो जाए तो हाई, फिर मीडियम फ्लेम पर हमें सारा कुछ कुक करना है। तो ये भी 1 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद हम सारी और सॉसेस ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने ढककर इसे पका लिया था कि चिकन को और टेंडर हो जाए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने है ना शिमला मिर्ची अच्छे से क्यूब की शेप में कट किया था और टोमेटो है, रेड कलर का शिमला मिर्ची मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने टोमेटो को अलग सा शेप दिया है कि लुक अच्छा आए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स, तो 1 स्पून ऑरिगेनो है, 1 स्पून ही चिल्ली फ्लेक्स है। साथ में ऐड करेंगे सोया सॉस 1.5 स्पून, और सॉसेस में सॉल्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपने सॉल्ट ऐड करना है चिकन में। तो ये ऐड होने के बाद इसमें मैं ऐड करी 1 स्पून टोमेटो केचप और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून चिल्ली सॉस। तो अगर और स्पाइसेस आपको चाहिए तो इसमें आप सेजवन चटनी भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे घर में इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं खाते इसलिए, और यहाँ पे विनेगर मैं ऐड कर रही हूँ हल्का सा खट्टापन के लिए। तो ये सारे चीज़ों को अभी हमें अच्छे से सॉटे करना है हल्का सा हाई फ्लेम करके, क्योंकि चिकन अच्छा सा टेंडर हो गया, मैं ढक के पका ली थी 2 मिनट के लिए, और इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से सॉटे करना है। और ये कम्प्लीटली हमारी जो फीलिंग है पाव के अंदर की कम्प्लीटली रेडी है। लास्टली हमें इसमें ऐड करना है चिकन क्यूब या तो चिकन पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हो, दोनों में से एक, ये बहुत ही अच्छा और फ्लेवरफुल होता है। तो ये इसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और फिर हो गया हमारी फीलिंग तैयार। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे।
सो जब तक के लिए हमारा जो फीलिंग है ठंडा हो रहा है चिकन का, तो हम अपना सैलेड बनाकर तैयार करेंगे, मेयो सैलेड। तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, इसमें सारे वेजीज हमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पे लिया है पत्ता गोभी, जो होता है कैबेज, उसको अच्छे से हमें ग्रेट करके ले लेना है एक कटोरी। और इसमें प्याज लगा है, प्याज भी मैंने हाफ प्याज को अच्छे सा फाइनली लंबे लंबे कट कर लिए थे। साथ ही में इसमें हमें ऐड करना है कैरेट, कैरेट को भी लंबा लंबा चॉप्ड कर लेना है, और इसी ग्रेट भी कर सकते हो, ग्रेट इजीली हो जाता है। और इन तीनों चीज़ों का हमें बनाना है सैलेड। इसमें ऐड होगा मेयोनीज, बहुत ही ज़बरदस्त वाला सैलेड बनकर तैयार हुआ था। और इसमें हमें ऐड करना है हाफ स्पून सॉल्ट, बस और कुछ नहीं। और ये हमें बनाकर साइड में करना है तैयार। तो ये मैंने अच्छे से 1 कप के अकॉर्डिंग मेयोनीज ऐड किया था। तो मेयोनीज़ एंड चीज़ एंड ये सारी जो फीलिंग वगैरह के साथ इसका टेस्ट है ना, फैबुलस हो गया था। तो ये देखिए, इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। तो ये देखिए, एक साथ सब मिल चुका है और ये हमारा सैलेड बनकर तैयार है, ज़बरदस्त वाला। तो आप इजीली अपने घर में आसान तरीके से, हम जब देखते हैं कोई चीज़ इसको कितनी मेहनत लगी होगी और कितने खर्चे हुए रहेंगे, इससे अच्छा हम बाहर खा रहे, बट नहीं, घर में ही इजीली आप बना सकते हो और फटाफट बन जाता है। जो ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है वही आसान होती है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा सैलेड बनकर तैयार है, इसे हमें रखना है साइड में। तो अभी हम बनाने चलते हैं हमारा चिकन पाव स्लाइडर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक लादी ले लिया है, 6 पाव आते हैं उसमें, तो एक लादी ले लिया है, उसको बीच में से मैंने कट कर लिया है, इक्वली पाव को अलग कर लिया है जो बन होते हैं। तो इसमें हम लगाना है टोमेटो, मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है, हॉट एंड स्वीट है, जो तीखा और मीठा होता है ना दोनों, वो वाला मैंने ऐड किया है, क्योंकि हम ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। आप इसमें हरी चटनी इस टाइम आप है ना इस पर लगा सकते हो, अच्छे से सेपरेट करना है। इसमें हरी चटनी भी लगा सकते हो आप, सेजवन चटनी भी लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कैसी टाइप का खाना खाते हो, ज़्यादा तेज़ या मीडियम या जैसे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बच्चों की तरह, तो आप उस अकॉर्डिंगली इसके ऊपर सॉस लगाएं, ठीक है। तो अच्छे से इसे हमें स्प्रेड करना है सॉस को, और फिर जो हमने सैलेड बनाया था मियाओ वाला, तो वो हमें इस पर फैलाना है पूरा इक्वली अच्छे से इस बन के ऊपर, ठीक है, पाव के ऊपर। तो कुछ भी है ना नज़र नहीं आए, पूरा ये स्प्रेड हो जाए, फैल जाए इक्वली। तो इसे मैं फैला लूँगी, तो देखिए ये सारा इक्वली फैल चुका है। अब ये हो गया है हाफली डन। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो पूरी ठंडी हो गई है, अब उसकी बारी आ रही है, तो उसको हमें इस पर अच्छे से बिछा लेना है। 1 by 1 step आप इसको फॉलो करें, और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और इतनी मेरी मेहनत नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ आपसे आपके साथ शेयर करी, तो आई होप आप लोग लाइक भी करोगे एंड सब्सक्राइब भी करोगे, और अपने जो लव्स वन है, फैमिलीज़ है, उन लोगों के साथ शेयर करोगे, या तो अपनी बहनों के साथ शेयर करोगे कि मुझे ये खिलाना बनाकर, या अम्मी के साथ या वाइफ के साथ, तो आप लोग उनको भी शेयर करें और मुझे बताएं कैसा लगा है, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। तो इसे मैं अच्छे से ना फैला लूँगी इक्वली, तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी चिकन वगैरह सारा कुछ एकदम परफेक्टली कुक हो गया है, क्योंकि इसकी फीलिंग ही इतना टेस्टी और फ्लेवरफुल थी, मैं क्या बताऊँ, इसे ऐसे भी खा सकते हैं या, पर ये अभी मैं स्लाइडर बना रही हूँ इसके लिए, इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो ये अच्छे से फैला ली हूँ, हो गया। और फिर इसके ऊपर हमें मेन चीज़ ऐड करना है, वो है मेन चीज़ चीज़, ठीक है ना। तो आपके पास अगर पिज़्ज़ा चीज़ है वो ऐड करें, मेरे पास है ना स्लाइसेस थी चीज़ की, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो इसे वो मैंने ऐड करना है, मैं बताती हूँ किस तरीके से बिछा लेना है, इस पर इक्वली हमें बिछाना है चीज़ स्लाइसेस को या चीज़ को। तो देखिए, सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपने, मैंने कम्प्लीटली चीज़ स्लाइस को अच्छे से बिछा लिया है। आपके पास ग्रेटेड चीज़ हो तो उससे भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैंने जो पाव को बन को रखा था उसको फिक्स कर लेना है अच्छे से उसके ऊपर। अब हम बटर गार्लिक का एक मिक्सचर बनाएंगे, जो ऊपर बन के ऊपर है ना इसको लगा सके, ऑयल या घी लगाते हैं। तो यहाँ पर बटर और गार्लिक और हरा धनिया का मैंने एक
गोल बनाकर तैयार कर लिया है कि हमारे बन एकदम क्रिस्पी और बाहर जैसे ना बटर गार्लिक जैसे टेस्ट आए। तो यहाँ पे बटर गार्लिक और हरा धनिया वाला मिक्सचर इस पर फैला लेना है अच्छे से, और इसका लुक भी एकदम रेस्टोरेंट टाइप भी आना चाहिए ना, कि हमने घर पर बनाया तो क्या हो गया, बाहर के जैसा लुक भी तो दे रहे हैं। तो देखिए कि लोग देखते हुए ही मुँह में पानी है, क्या है ना, पहले मुँह में जाने से पहले आँखों में उतरती है चीज़, तो पहले आँखों में उतरने के लिए हमें ये सारी चीज़ भी करनी पड़ती है। तो ये देखिए अच्छे से इसको हमें स्प्रेड करना है बटर के साथ, और मैंने अभी इसको हीट करना है, बिना ओवन के हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे एक पतीली ले लिया था, इसको ओवरहीट कर लिया था मैंने 10 मिनट के लिए, नीचे स्टैंड या कटोरा रख लेना है, अच्छे से बड़ी तपेली ले लेना है, और इसको अब मैं रखूँगी 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक कर, ठीक है ना। ऊपर एक वजन चीज़ रख ले आप, कोई भी पतीली रख ले पानी भर के, या कोई भी है ना ढक्कन से अच्छे से ढक ले कपड़े के साथ, कि है ना बाहर हवा ना निकले फ्लेम। तो चलिए ये करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सो फाइनली यहाँ पे हमारा चिकन पाव स्लाइडर बनकर तैयार है। आप देख सकते हो इतनी क्रिस्पी, और जो मेल्ट हुआ है ना चीज़ हमने बेक किया है, ज़बरदस्त सी खुशबू, और दिखने में ही एकदम लजीज दिख रही है। तो यह बहुत गर्म था, केयरफुली हमें है ना इसे दिखाना भी है कि किस तरीके से बना। आप देख सकते हो अंदर की फीलिंग भी क्या जूसी दिखाई दे रही है ना। हाँ, मुझे फिर से खाने का मन कर रहा है। सो देखिए ये बहुत ही कम रेट है, ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। अपने घर में फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करें, पार्टी या कोई भी चीज़ हो स्पेशल, आप इसे बनाएं और इंजॉय करें, स्पेशल बनाएं माहौल को। तो ये परफेक्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और ज़बरदस्त सा मैं इसे सर्व भी करूँगी। और आई होप आप लोग इनको इंजॉय की होगी मेरी वीडियो को। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। Thank you.